फ्रेंड्स, जय माता दी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज लेकर आए हम नई रेसिपी, और आज हम बनाने वाले हैं लौकी की रेसिपी। लौकी की रेसिपी तो आपने बहुत तरीके की खाई होगी फ्रेंड्स, तो आज हम डिफरेंट तरीके की लेके आ रहे हैं। जो बच्चे लौकी नहीं खाते हैं, इस तरीके से आप बना के उन्हें खिलाएंगे तो हर रोज वो लौकी खाएंगे। तो आज हम बना रहे हैं लौकी का शेक। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। शेक बनाने के लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए आपको एक बार वो बता देती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक आधी लौकी ली है और ये काफ़ी कच्ची लौकी है, आप देख सकते हैं। और लौकी का सबसे टेस्ट करने का अच्छा तरीका है कि हम लौकी को थोड़ा सा साइड से काट के आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से मुँह में रखे, हल्की सी मीठी लगेगी तो समझिए आपकी लौकी काफ़ी अच्छी है। अगर कड़वी है तो आपकी हेल्थ के लिए वो अच्छी नहीं है। इसके लिए मैंने इस एक गिलास दूध लिया है, ऑलमोस्ट आधा लीटर है दूध, गिलास काफ़ी बड़ा है। तो आधा लीटर मैंने दूध लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने चीनी ली है और ये बादाम लिए मैंने, ड्राई फ्रूट्स। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी बादाम है तो इसलिए मैं बादाम ही डाल रही हूँ। आपके पास जो भी है आप वो डाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम लौकी को छील लेते हैं और इसको बारीक काट लेते हैं। इस तरीके से हमें छीलना है और इसको हम बारीक काट लेंगे। देख सकते हैं लौकी को मैंने काट लिया है, थोड़ा सा मीडियम साइज का काटा है, क्योंकि हमें गलानी है तो आप बारीक थोड़ा सा मोटी भी काट सकते हैं। और मैं इसे कुकर में डालूंगी और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस पर दो सीटी लगवाएंगे। बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। और दो सीटी लगने के बाद हमें इसे गैस को ऑफ करके फिर आपको दिखाते हैं। तीन सीटी लग चुकी है तो घी हमारा काफी गल चुका है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसे मिक्सी जार में डालेंगे। मिक्सी जार में मैंने घी को डाल लिया, थोड़ा सा ठंडा किया है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, नॉर्मल है टेम्परेचर पे। अब इसमें हम डालेंगे दूध और अब फ्रेंड्स हम डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया है। मैं डाल रही हूँ थोड़े मोटे कटे हुए दो पीस में मैंने बादाम काटे वो डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो डाल सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पे आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। मैं इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि जो मैंने दूध लिया वो काफ़ी चिल्ड है, तो मैं आइस क्यूब नहीं डाल रही हूँ। मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची कूट के, इससे काफ़ी अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा इसमें बादाम के पीसेस हैं, दरदरा है, तो वो खाने में काफ़ी अच्छा लगेगा और टेस्टी लगेगा। जो बच्चे घिया या लौकी नहीं खाते हैं, आप इस तरीके से बना के देंगे, वो हर रोज़ आपसे शेक बनाने के लिए बोलेंगे। काफ़ी टेस्टी होता है फ्रेंड्स और काफ़ी हेल्दी है। तो चलिए मैं अभी इसे सर्व करती हूँ। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लौकी का शेक हमारा रेडी हो चुका है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से। तो आई होप फ्रेंड्स ये वाली रेसिपी आपकी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें एंड शेयर करें। लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी पसंद आई है, अगर नहीं भी आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन करिएगा ज़रूर।